किसी और के लिए इस घर को छोड़ोगी, मुझे छोड़ोगी? जाने दे अम्मा, बस ये मेरा रेजिग्नेशन है। मैं मुझे चाहूंगी तुम्हारे बगैर, मैं अपनी जिंदगी नहीं छोड़ दूंगी। शफा प्लीज, मैं ये सब कुछ करने से नहीं रुकूंगा, हटो। चलो अभी आती हूँ। भाभी दादू। अरे मेरा बच्चा, आ गई दादी की याद है? कैसे छोड़ के चला गया था माँ के साथ? आइंदा नहीं जाऊंगा। आइंदा कोई भी नहीं जाएगा। हो गया तेरा गुस्सा कम? माफ कर दे। अरे मेरी पगली बच्ची, मेरी जान, गुस्सा उतरा कि नहीं उतरा अभी तक? चल जा, खाने के लिए कुछ लेके आ मेरे लिए, रात से भूखी हूँ। क्यों, कुछ खाया क्यों नहीं? कैसे खाती, तेरे मियाँ ने ऐसा खराब खाना बनाया था कि कुछ भी नहीं खा सकी मैं। अरे क्या बात कर दी अम्मा आपने, इतने प्यार से मैंने आपके लिए खाना बनाया, ये देखो उंगली भी जला ली अपनी। हाँ पता है मुझे। अच्छा मैं खाना लेके आती हूँ, सही है? दिखाए मुझे, दूध पीस लगाए। चैप्टर क्लोज हो गया उल्फत, अब तुम्हें अपनी जिद से पीछे हटना होगा। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। मैं रिजाइन कर चुका हूं, अब अगर शफक में थोड़ी सी भी अक्ल हुई तो हमारे घर की तरफ पलट कर नहीं देखेगी। शफक नाम का वजूद हमारी जिंदगियों से हमेशा हमेशा निकल कर जा चुका। शफक क्या चाहती हो तुम मुझसे? शफक क्या चाहती हो? सुन तो ले, क्या पता कोई जरूरी बात हो। मैंने नहीं सुनना, जो भी बात है उसकी मुझे नहीं सुननी। कोई जरूरी बात भी तो हो सकती है ना उल्फत। मैं जानती हूँ शान, तुम मेरा नाम भी नहीं सुनना चाहोगे और ना ही देखना चाहते हो, और अगर कभी ऐसा चाहा भी तो मैं तुम्हें कभी नजर नहीं आऊंगी। क्योंकि जब तक तुम मुझ तक आओगे मैं इस जहां से दूर जा चुकी होंगी। मैं जा रही हूं शाह, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी दुनिया से बहुत दूर। लेकिन जाने से पहले कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने ख्वाब देखा था शान, मगर भूल गई थी, ख्वाब और हकीकत में बहुत फर्क होता है। ख्वाब तो सिर्फ टूटने के लिए होते हैं और हकीकत आपको तोड़ देती है। मुझे भी मेरी हकीकत ने तोड़ दिया है शान। अब तो सांसों का रास्ता टूट ही जाए तो अच्छा है। बार बार किस्मत आजमाने की कोशिश करती हूँ और हर बार मेरी बदकिस्मती मेरी खुशियों को आग लगा देती। किसी ने ठीक कहा था शाहान, प्यार में जलना जैसे जलना, प्यार की जलन रूह तक पिघला देती है शान। कतरा कतरा मोम की तरह वजूद
मिट जाता है। मैं भी मिट गई, फना हो गई हूँ। तुमसे मोहब्बत भी एक कोशिश थी जिसमें पूरी तरह नाकाम हो गई मैं। और मैं तुमसे इसी मोहब्बत की माफी मांगना चाहती हूँ शान। तुम मेरे नहीं हो सकते ये जानते हुए भी इस दिल ने तुमसे मोहब्बत कर ली। मोहब्बत तो लिखी ही नहीं है मेरी किस्मत में। शौहर से मोहब्बत करने की कोशिश की तो धुतकारी गई। तुम्हारी मोहब्बत हासिल करना चाहे तुमने भी ठुकरा दिया। ऐसी ठुकराई हुई जिंदगी का मिट जाना ही बेहतर है। अब इन आंखों को किसी का इंतजार नहीं। तुम्हारा आना मुझे जिंदगी दे गया शाम। तुमसे बिछड़ना मौत है मेरे लिए। मैं मौत को गले लगा रही हूँ शाम। मौत इतनी हसीन भी होगी मैंने सोचा नहीं था। तुम्हारी याद, मौत की आगोश, शफाक, 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 मुराद, मुराद, वजह साहब, किस चीज का, वजह साहब, तुम यहाँ, सर, शफाक कहाँ है, शफाक, और शफाक अपने कमरे में है, क्या हुआ, क्या, सर, शफाक, क्या हुआ, शफाक, अरे, बेटा क्या हुआ, शफाक, शफाक बेटा क्या हुआ, मेरी बच्ची बेटा क्या हुआ, हेलो शफक, शफक बेटा मेरी तरफ देखो, शाहन जल्दी से एम्बुलेंस को फोन करो जल्दी, बेटा हेलो क्या हुआ, शफक, शफक बेटा मेरी तरफ देखो क्या हुआ, मेरी तरफ देखो बेटा मेरी बच्ची को क्या हो गया, हेलो, हाँ हेलो, हमें फौरन एम्बुलेंस की जरूरत है, जल्दी जल्दी, हाँ जी मैं एड्रेस पर बताऊँ, कुछ तो बता, कब तक ऐसी पत्थर की मूरत बन के रहेगी, बता ना क्या हुआ है, मैं बर्बाद हो गई, सब कुछ बर्बाद हो गया है, जहर खा लिया उस कलमुई ने, जहर किसने खा लिया, उसने शफक ने, जहर उसने खा लिया, मर मैं गई हूँ, लो भला जहर उसने फाका है और मौत तुझे आ रही, ये क्या बात हुई, तू नहीं समझेगी, रहने दे, सब कुछ तबाह हो गया है, मैं तो खाली हाथ ही रह गई हूँ। ये जो अमीर लोग होते हैं ना, ये किसी के भी नहीं होते, कसम से बता रही हूँ मैं तुझे। अब जा ही रही थी तो जाते जाते तेरे नाम ही कुछ कर जाती। खैर छोड़, तुझे क्या लगता है मैं उसकी खैरात के लिए बैठी हूँ, हाँ जूती भी नहीं पूछती मैं उसकी खैरात को, लेकिन मैं सच बता रही हूँ, उसे ना ऐसा नहीं करना चाहिए था मेरे साथ, वादा किया था उसने, वादा खिलाफी की मेरे साथ, कलमुई कही की, इतनी क्या जल्दी पड़ी थी, हाँ मैं कह रही थी ना मैं कि मैं मना लेती हूँ शाहन को, लेकिन नहीं जल्दी पड़ी थी उसे। आपकी बेटी ने पॉइजन सब्सटेंस बहुत ज्यादा मिकदार में ले लिया था। हाँ हैवी ओवरडोज। हमने स्टमक वॉश कर लिया। कैसी है, ठीक तो हो जाएगी ना? देखिए मुझे साहब, उनकी कंडीशन देखते हुए अभी हम हतमी तौर पे कुछ कह नहीं सकते। ये अमीरजादियां ना इतनी ही नाजुक होती हैं, किसी की खुशियां रास थोड़ी होती हैं इनको। अब तू एक काम कर, तू ना आयते करीमा का खत्म करवा ले, पूरे 125,000।
कसम से बता रही हूँ, वो भी बच जाएगी, तेरा शोहर भी मान जाएगा और तेरे घर में नोटों की बरसात हो जाएगी उल्फत। चल मेरी बहन, शाबाश, जल्दी से हिम्मत कर, तेरी हिम्मत में ही ना हम सबका फायदा है। ए क्यों, तेरा क्या फायदा है? हाय मेरा फायदा नहीं है तो और किसका फायदा है? मेरी तो सारी शॉपिंग की खटाई में पड़ गई, पता नहीं कितने ख्वाब देख लिए थे मैंने। वैसे ना नूरी, एक बात बताऊं, शर्म आनी चाहिए। हाँ वो बेचारी वहां मर रही है और तुझे शॉपिंग की पड़ी है। अच्छा तो फिर तो शर्म तुझे भी करनी चाहिए उल्फत, उसके मरने पे अपने ख्वाबों का मातम लेकर बैठी हुई है। अरे पागल, मेरी बात मान ले, दुआ कर के वो बच जाए, जल्दी से आए थे करीमा का इंतजाम कर, उसकी बचत में ही हम सबकी बचत है। खेती तो तू ठीक है, एक काम करते हैं, मैं ना आए थे करीमा की तैयारी करती हूँ, तू ना जल्दी से मोहल्ले की औरत को पकड़ के ला। हाँ तैयारी कर रही हूँ मैं। हाँ हाँ तुम्हारे कुछ भी कर दूंगी, मैं तुम्हारे तुम्हारे घर में रहूंगी शान, तुम जो कहोगे मैं वही कर दूंगी। आपको संभालो, क्या कर रही हो तुम? अपनी रेपुटेशन का ख्याल करो, क्यों ऑफिस में तमाशा बनाओगी? मुझे किसी की परवाह नहीं है। मुझे है परवाह, प्लीज मुझे अपना दो शान, प्लीज। अंकल, डोंट कॉल मी अंकल, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम इसके जिम्मेदार हो। आखिर उसने तुमसे मांगा क्या था? एक छोटी सी हाँ, और तुमने इतने बुरे तरीके से नो कर दिया। अगर तुम्हें इनकार ही करना था तो कर देते, लेकिन धुतकारते तो नहीं। मैं उसका बाप हूं, अगर तुम मुझसे बात करते तो मैं अपनी बेटी को मना लेता, लेकिन ठुकराते तो नहीं ना इस तरह। प्लीज अंकल, एक दफा मेरी बात तो सुन। कुछ रह गया सुनने के लिए? मेरी बेटी आईसीयू में आखिरी सांसें ले रही है और जिसकी वजह तुम हो, तुम इसके जिम्मेदार हो, उसकी मौत के जिम्मेदार तुम हो। मोहब्बत करने चली थी वो, उसे क्या पता कि एहसान फरामोश से मोहब्बत निभाई नहीं जाती। अरे क्या नहीं किया तुम्हारे लिए उसने, और तुम दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। अंकल प्लीज एक दफा स्टॉप इट, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी हमदर्दी। मैंने तुम्हें अंकल कहने का जो हक दिया था वो आज मैं तुमसे छीन रहा हूं। तुम घटिया इंसान हो, तुम मोहब्बत तो क्या, हमदर्दी के भी लायक नहीं हो। दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, जाओ। बेटा तुझे इस तरह से उसको मना नहीं करना चाहिए था। मैं क्या करता मां, मैंने हर तरह से मना करने की कोशिश की उसे, प्यार से, सख्ती से, तमीज से, तहजीब से। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि उल्फत से ज्यादा मुझसे कोई प्यार कर सकता है, क्योंकि वो लड़की जो अपनी आखिरी सांसें ले रही है उसने मुझे गलत साबित कर दिया मां, उससे मेरे यकीन को गलत साबित कर दिया। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दुआ कर मेरे बच्चे की वो बच जाए।
दुआ तो मैं कर रहा हूं, अपनी हर सांस के साथ दुआ कर रहा हूं कि अल्लाह उसे जिंदगी दे दे। एक बात बता शाहान, अगर वो बच गई तो क्या करेगा तू? ना लेगा उसे? शाहान बोल ना, अपना लेगा उसे? चुप क्यों है? बता ना। क्या मैं दुनिया का करूं तू जो मेरा ना रहा, भूलूं मैं फैसला कर लिया। आपने जवाब नहीं दिया अम्मी की बात का। या शायद आपको लग रहा है कि आप जवाब दे चुके हैं। क्या हो गया तुम्हें अल्फा? बार बार एक ही सवाल क्यों पूछे जा रहे हो? तो जवाब दे क्यों नहीं देते? हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं होता, लेकिन जवाब ना देने का जवाब देना जरूरी होता है। मैंने सारी बातें सुन ली हैं आपकी। शायद आप ठीक ही कह रहे हैं कि मुझसे ज्यादा वो आपको चाहती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि अपनी जान लेना आसान नहीं होता, लेकिन हाँ, अपनी जान से ज्यादा प्यारी चीज छिन जाए तो जिंदगी खत्म हो जाती है। से जीने की वजह दे दीजिए शाहान। अपना लीजिए उसे। वैसे भी ये बात तो आप मान ही चुके हैं ना कि मुझसे ज्यादा भी कोई आपको इस दुनिया में चाहता है, तो ये बात मानने में क्या हर्ज है?
उसने आपको अपनी जिद बना लिया है। मत कीजिए उसके साथ ऐसा। किस मिट्टी की बनी हो तुम रिफत? तुम ये कैसे मान सकती हो कि किसी और की चाहत तुम्हारी चाहत से ज्यादा है, और उस चाहत को तुम इस घर में और मेरी जिंदगी में लाने पे बसिद हो? क्या हो तुम उल्फत? किसी और औरत को अपनी सौतन चू बनाना चाहती हो? सुनो मेरी बात, इस सारे वाक्य में ना अगर किसी को मरना चाहिए था ना तो वो मैं हूं। अल्लाह ना करे। सच कह रहा हूं मैं, मुझे मरना चाहिए। ना शफक को मरने का हक है और ना तुम्हें कुर्बानी देनी चाहिए। मेरा प्यार, मेरी दुआ, इनमें से कुछ भी मेरी शफक को नहीं बचा सकता। अगर कोई बचा सकता है तो वो तुम हो शाहान, वो तुम हो। देखो मुझसे कुछ भी ले लो, लेकिन मेरी शफक की सांसें उसको वापस लौटा दो, उसको उसकी खुशियां लौटा दो। देखो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, उसको बचा लो, खुदा के वास्ते उसे बचा लो, उसको बचा लो, जब उसको बचा लो। प्लीज सर, आप हाथ ना जोड़िए सर। मेरी बेटी दिले ना
तुझे अलविदा कर दिया, मोहब्बत तुझे अलविदा कर दिया, अलविदा कर दिया। जितने बीमार है उन्हें सेहत याबी अता कर, आमीन। या अल्लाह इस घर में आयते करीमा रखा है जिस शख्स के लिए, उसे सेहत याबी अता कर, आमीन। और उसे लंबी उम्र अता फरमा, आमीन आमीन आमीन। और एक मिनट एक मिनट, अल्लाह मियाँ मेरे दिल में जितनी भी ख्वाहिश है सब तू जानता है, सारी ख्वाहिशों को पूरा कर दे। जानती तो मैं भी हूँ अल्लाह मियाँ। आमीन आमीन आमीन। सलेब आपने अपना बहुत ख्याल रखना है शफक। मैं किसी भी किस्म की बात एहतियाती या बेवकूफ़ी बर्दाश्त नहीं करूंगा, ठीक है ना? ये मेडिसिन्स मैंने सारे रख दी हैं, इनको प्लीज़ वक्त पर लेना, आपका आपका काम है। क्या सोच रही हैं शफक, सुन रही है ना? लेकिन अब देखें, इस तरह सिर्फ सर हिलाने से काम नहीं चलेगा, आपको मेरी बात माननी भी पड़ेगी। एक शर्त पर, मानोगे? हाँ शफक बोलो, क्या शर्त है? मैं जो भी है मैं मानूंगा तुम्हारी बात। मुझ पे तरस खाना छोड़ दो, हमदर्दी कर रहे हो मुझसे? नहीं तो बिल्कुल नहीं, मैं मेडिसिंस नजर आ रही हैं। एक्सपायरी डेट होती है, एक्सपायर होने से पहले ये जान बचा लेती है, लेकिन एक्सपायर होने के बाद ये किसी को नहीं बचा सकती, जहर बन जाती है। मोहब्बत भी ना बिल्कुल इसी तरह होती है, वक्त पे मिल जाए तो जान बचा लेती है, एक्सपायर हो जाए तो जान ले लेती है। जानते हो क्यों? क्योंकि वो खैरात बन चुका होता है, वो खैरात में दी हुई मोहब्बत जहर ना भी बने मौत का सबब जरूर बन जाती है। प्लीज लीव शफक, लीव शाहान। Thank you.
अरे ऐसे कैसे चले जाओ? I don't know यार, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं समझ आ रही मेरे साथ क्या हो रहा है। क्यों नहीं समझ आ रही है? अरे आपने उसकी जान बचाई, इतना कुछ किया उसके लिए, अब कैसे वो मना कर सकती है? कल तक तो वो आपसे शादी करने के ख्वाब देख रही थी, और अब जब उसके ख्वाब पूरे होने लगे तो आपको धुतकार रही है। ये कौन सा तरीका मोहब्बत पाने का? हाँ पहले मोहब्बत करो और फिर टुकराओ से, हद होती है किसी बात की भी। समझते क्या है वो खुद को? अच्छा अच्छा बस कर दो तुम भी, तुम्हें क्या हो गया? बहन बनाया था मैंने उसे, बहन है वो मेरी, दिल से तस्लीम किया था मैंने उसे। तो अब समझ आ गई, नहीं है तुम्हारी बहन वो, यही हकीकत है, कबूल करो इसे और खत्म करो इस किस्से को। तो क्या भूल जाएंगे आप उसे? सही बताएं, प्यार नहीं करने लगे आप उससे? अधूरे नहीं है आप उसके बगैर? उल्फत प्लीज, सच बताऊं ना शहर, तो हम अधूरे हैं चपक के बगैर, ये घर अधूरा है, इस घर में उसका भी हिस्सा है, जब मैं उसको उस घर में लेकर आऊंगी ना तब ये हिस्सा मुकम्मल होगा। मुझे समझ आ रही है बात, मुझे ही मनाना पड़ेगा उसे। अरे बीबी कहाँ घुसी जा रही हैं आप? किससे मिलना है आपको? क्या मतलब किससे मिलना है? शफक बीबी से मिलना है, तुमसे मिलना होंगी क्या? हाँ जाओ, जाके बोलो उन सुल्फत आई है, चलो चलो। अबीर मगर क्यों? ये चैप्टर क्लोज हो चुका है डैड, मैं इस पे और मजीद कोई बात नहीं करना चाहती। एक बार उससे मिल तो लो। मुझे किसी से नहीं मिलना, आप प्लीज उसे बोले यहां से चली जाए। बीबी उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। है? ऐसे कैसे इनकार कर दिया? हाँ की चल रही है, अरे रुके, अभी बताती उसे, आज तो मैं मिले बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। अरे बीबी कहाँ जा रही हैं आप, किससे मिलना है आपको, जाइए बाहर वापस। हटो सामने से, मुझे शफक से बात करनी है, बुलाओ उसे। शफक शफक बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। दीदी क्यों आप मेरी नौकरी के पीछे पड़ी हुई हैं, साहब को पता चलेगा तो वो नाराज होंगे, आप जाइए बाहर। यहाँ जिंदगी की पड़ी है और तुम्हें अपनी नौकरी की फिक्र है? हाँ चलो शराफत से हटो, नहीं तो ना मैं इस घर का हर्ष नशर कर दूंगी, समझे? क्या शोर हो रहा है साहब? ये जबरदस्ती, ठीक है तुम जाओ। जी बीबी। अंकल मुझे आपकी बेटी से बात करनी है, सिर्फ एक बार। देखो बेटी मिल लो, लेकिन वो पहले ही इनकार कर चुकी है। शफक क्या मजाक है? ये कहानी हम दोनों ने शुरू की थी ना, तुम अकेले कैसे खत्म कर सकती हो? क्या क्या तमाशा क्या है ये? जानती हो ना कितने पापड़ बेले मैंने, कितनी मुश्किल से अपने शौहर को मनाया तुमसे शादी करने के लिए, और तुम? अरे खुदा खुदा करके तुम्हारे पाँव में आके बैठा है वो, और तुम बजाय कदर करने के उसको धुतकार रही हो? अरे आखिर चल क्या रहा तुम्हारे दिमाग में? क्या चाहिए तुम्हें उल्फत? क्यों आई हो तुम यहाँ? पैसे चाहिए ना तुम्हें? दे दूंगी, मिल जाएंगे तुम्हें पैसे, बस। क्या कहा तुम्हें? क्या लगता है मैं तुमसे खैरात मांगने आई हूं? हाँ घटिया औरत, बात बात पे पैसे दिखाने वाले को जानती हो ना क्या कहते हैं? मैं कहना नहीं चाहती हूं, इस वक्त ना तुम मुझे उससे भी गिरी भी लगी हो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें क्या लगता है अपने दौलत के बलबूते पे तुम किसी को भी खरीद लोगी, किसी को भी चाहे आसमान पे बिठा दोगी, जिसको चाहे जमीन पे गिरा दोगी? हाँ तो मैं तुम्हें बताती हूँ,
मैं बताती हूँ तुम्हारी असलियत क्या है, तुम्हारी औकात क्या है। बहुत शौक है ना ड्रामा करने का, तो अब मैं ये ड्रामा खत्म करती हूँ। आज के बाद सब कुछ खत्म, शाहान खत्म, तुम खत्म, मैं खत्म, ये चैप्टर क्लोज, दी एंड, समझी तुम? और हाँ सुन, आज के बाद ना मुझसे मिलना नहीं, शक्ल ना दिखाना मुझे, लेकिन जाने से पहले ना एक बात कहना चाहूंगी। अरे उल्फत ने दिल से बहन माना था तुम्हें, दिल से। खुद यतीम हूं ना, इसलिए तुम्हारा अकेलापन समझा था मैंने। अरे इतनी मोहब्बत देना चाहती थी, इतनी मोहब्बत कि अपना जेवर उतार के तुम्हारे कदमों में डाल दे कि तुम मुझसे अपना सरकताज बना लो, लेकिन नहीं। तू क्या सरकताज बनेगी, तू तो पैर के धूल बनने की भी काबिल नहीं है। इसके लिए तो मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगी खुद को। अपनी गोला संभाल के रखना, किसी और को खरीदने के काम आएगी। और हाँ, ये जो दो चार तोहफे देके मुझ पे एहसान किया ना तुमने, जैसी कमेटी खुलेगी ना तुम्हारे मुंह पर दे मारूंगी, समझी? ये देख रही ना जूती, हाँ सदर से लिए 150 रुपए की, तेरी सारी दौलत ना अपनी जूती के नोक पे मारती हूँ, समझी? शक्ल ना दिखाइयो अपनी। Get out, Urf. अलविदा।